स्वागत है एक बार सभी किसान साथियों का कुमार डेयरी फार्म में। तो आज अपने पास फिर से किसान है महाराष्ट्र से, तो बात करेंगे उनसे। और इन्होंने आज अपने यहाँ से दो गाड़ी का जो है वो माल लिया है, तो एक बार जानेंगे कहाँ से है और कैसी क्वालिटी लगी उनको यहाँ की करनाल की। तो सबसे पहले मिलना चाहेंगे सर, अपना नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम गोरखनाथ नारायण निंबालकर है, मैं महाराष्ट्र सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पंडरपुर तालुका से जी। सर आपका? मेरा नाम है रामेश्वर महर्ता जी पटकर। और आपका? नमस्कार, मेरा नाम है नीलकंठ विठल जाधव, तालुका मंगलवेड़ा, जिला सोलापुर, गांव पाटकर। ओके, तो सर यहाँ से आपने गाय लिया, कैसे संतुष्ट है गाय से? बिल्कुल। तो कैसा लगा यहाँ का गाय और कैसा यहाँ का सब कुछ, थोड़ा सा बताइए विस्तार से। यहाँ का माहौल भी अच्छा लगा, यहाँ के आदमी भी अच्छे लगे, यहाँ की गाय भी अच्छी लगी। ओके। और हमने हमारे खुद हमने खुद परचेज की है सब गाय। ओके। तुमने कुछ कर दिया नहीं, हमने खुद कर दिया है। तुम्हारे तुमने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, तुम दिखा दे सिर्फ खाली। जी जी जी। तो एक तरह का संतुष्टि है आपको, जैसे एक बोल ले कि हाँ मुझे ये गाय पसंद है। हाँ। किसी प्रकार का मन में कोई संकोच जो एक बात होती है कि भाई यहाँ से गाय ले ना ले, क्या कुछ मन में है? कुछ नहीं, हमने जो गाय परचेज की वो गाय आपने हमें दी, हमारे मन से सब चल रहा है। ओके। बाद में जो गाय हमें कैंसिल करनी थी, हम तुमको बोले ये बाबा ये वाला कैंसिल कर दो, तो भी तुमने कैंसिल कर दिया है। बहुत बढ़िया सर। नहीं देखिए, हमारा ये रहता है कि जो हमारा कस्टमर है वो संतुष्ट रहे यहाँ के, जैसी उसको कुछ क्वालिटी चाहिए वैसी हम उसको क्वालिटी दें। और सर आप भी बताइए, आपने भी थोड़ा सा बताएंगे महाराष्ट्र के बारे में कि और लोग वहाँ से आए तो क्या कुछ देखा आपने यहाँ पे। मैं महाराष्ट्र के सभी आदमियों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर जब भी आप करनाल में आना चाहे, गाय परचेस करना चाहे, तो कुमार डेयरी फार्म में आके अपनी गाय परचेस कीजिए। यहाँ विश्वास के साथ आप गाय खरीद कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सर रहने खाने का थोड़ा सा लोगों में डर रहता है कि यहाँ जाएं पता नहीं कैसा माहौल है, माहौल के बारे में थोड़ा, यहाँ के व्यवहार के बारे में थोड़ा सा। सर महाराष्ट्र के लोगों के दिल में क्या है कि अब इतनी दूर जाए 2000 किलोमीटर, तो उधर रहे कहाँ, खाए क्या, तो इधर कुछ भी चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ डेयरी फार्म पे सब रहने की जगह है, खाने के लिए सब कुछ है, गर्म पानी रहता है नहाने के लिए, सब कुछ एकदम टकाटक है। जो भी आना चाहेंगे जरूर एक बार कुमार डेयरी फार्म में आके अपनी गाय परचेस करें, और इनका विश्वास, इनकी क्वालिटी और इनका काम का तरीका सब कुछ अपने आप महसूस करें। तो शुक्रिया इतने उसके लिए। और जैसे कि आपने देखा कि ये जो अपने जो पंडरपुर से आज जो किसान आए हुए थे, इन्होंने हमारे यहाँ से अभी जो है वो दो गाड़ियाँ माल लिया है, और चाहेंगे कि इनके पास जो माल गया है वो बहुत ही अच्छा निकले और ये लोग फिर से दोबारा आएँ। तो सभी किसान साथियों को